ने बताया बहुत ही अफसोसनाक हादसा ईरान में जो हुआ है, उम्मत मुसलमान के लिए एक झटका कह सकते हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रोहन व क़ज़ाइही व तस्लीम अल अमरे। ईरानी ममलिकत के सदर प्रेसिडेंट जनाब इब्राहिम रईसी साहब का हादसा, जो एक हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ वहक हुए हैं, उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे और उसके अलावा और भी अफराद थे जो गैर मामूली अफराद थे, वो मामूली अफराद नहीं थे, उनका इस हेलीकॉप्टर के हादसे में जहाँ वहक होना, ये मिल्लत मुसलमा के लिए बिलखसूस मिल्लत तशय्यो के लिए बहुत ही नाकाबिल तलाफी नुकसान है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक, अलमनाक, अफसोसनाक ये वाकया है। इससे वाकई पूरी उम्मत मुसलमा को और बिलखसूस ईरान की मिल्लत और वहाँ की हुकूमत को एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा रखना पैदा हुआ है। ये रखना अब यूँ तो परवरदिगार साहिब कुदरत है, उसका ख़जाना खाली नहीं है, वो क्या नेमुल बदल का बता कर दे, ये उसकी कुदरत है। लेकिन ज़ाहरी तौर से ऐसी शख्सियतों का चला जाना दुनिया से नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है और इन नुकसान की भरपाई, ऐसे नुकसानों की भरपाई होना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमारे लिए और तमाम मुस्लिमीन के लिए और मुसलमानों के अलावा भी जो जो इंसाफ वाला दिल अपने सीने में रखते हैं और जो इंसानियत के हमदर्द हैं और चाहते हैं कि चैन, सुकून, अमन इस दुनिया में, इस आलम में बरपा हो, कायम हो, तो चूंकि इस सिलसिले के लिए दुनिया में अमन अमान कायम करने के सिलसिले में जो पेश अफराद इस वक्त दुनिया में हैं, उनमें रईसी साहब इस वक्त एक बहुत बड़ा किरदार पेशरफ के साथ जो है वो निभा रहे थे, उनका इस दुनिया से इस वक्त ऐसे चला जाना इस मिशन के लिए भी, अमन के क़याम के मिशन के लिए भी एक बड़ा धचका है। और बहरालम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा उनको जवार रहमत में जगह इनायत फरमाए, उनकी रूह को सुकून इनायत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनका कोई नेमुल बदल दुनिया को अता करे। फाइल का अभी रिएक्शन मुझे मालूम नहीं कि क्या है, अभी ज़्यादा इत्तला उस हवाले से नहीं है, लेकिन जो कुछ इस तरह की खबरें लोगों के दरमियान गर्दिश कर रही हैं, ये सब अपने जहनी अख्तराआत हैं, अपने जहनी इजादात हैं कि ये इसराइल का उसमें हाथ है और या अमेरिका का हाथ है या जिसका भी हाथ है। अभी पहली जो खबर है, जो पहली नज़र में जो बात सामने आई वो ये है कि वहाँ वो जिस जगह से अजरबैजान से आ रहे थे तबरेज़ की तरफ, तो वो जिस जगह हादसा हुआ है वो जगह एक तो घना जंगल वहाँ पर उसके नीचे था, पहाड़ियाँ थीं और वादी बहुत गहरी, वैली बहुत डीप वैली थी और पेड़ दरख्त, बड़े बड़े पहाड़, और मौसम वहाँ पे इतना ख़राब था कि वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल वहाँ पर ना के बराबर थी, एक ऐसा फॉग के जैसा मौसम था। तो ऐसे मौसम में अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाता है हेलीकॉप्टर में या किसी भी एयरक्राफ्ट में, तो वो जाहिर सी बात है उसका उस वक्त दुरुस्त कर लेना या उसको संभाल लेना, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, सिस्टम कट जाता है, जो अपना मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर, वहाँ से जब रबता कट जाता है तो फिर उसको सही करना, सुधारना मुश्किल हो जाता है। अभी पहली नज़र में ऐसा लग रहा है, बाकी जब तहकीकात होंगी, और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब तहकीक में जो चीज़ निकल के सामने आएगी वो इंशाल्लाह दुनिया के सामने होगी। अभी पहली नज़र में एक ही हादसा है बस, और एक हादसा है। इज़राइल के जो रद्दी है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक तानाशाह था जो इज़राइल, जाहिर सी बात है, देखिए उसमें हर ताकत को, हर इंसान को, हर एक गिरोह को, हर एक जमात को, हर एक सोच, हर एक नज़रिए को, सबके अलग अलग चूंकि हैं नज़रिया, तो हर एक नज़रिए वाला दूसरे नज़रिए वाले के नुकसान से खुश होता है। उसको चूंकि उस वक्त अपना जो एक उसके मकासद को पूरा होने में जो रुकावट होती है उसके सामने, उसके मुखालिफिन जब उनमें से कोई कम होता है, तो वो उसको समझता है कि मेरी एक रुकावट दूर हुई, तो जाहिर सी बात है वो उनका खुश होना बनता है। वो उनका अपना एक नज़रिया था जो जिसके खिलाफ, यानी उनका नज़रिया इब्राहिमी साहब के मुताबिक और ईरानी ममलकत के मुताबिक और पूरे आलम इस्लाम और आलम इंसानियत के मुताबिक, वो नज़रिया जो इसराइल का है वो ये कि इस्तेमार की ताकत का इस्तेमाल करना, इस्तेमार को बढ़ावा देना, इस्तेमार का मतलब ये कि आप अपनी जो हुकूमत है उसके हदूद को आपको बढ़ाना आपका मकसद होता है, उसमें जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से दूसरे ममालिक की हदूद को अपने हदूद में दाखिल कर लेना, वो उससे एक अमन में खलल पड़ता है, फसाद पैदा होता है, फितना पैदा होता है, जंगें होती हैं, अब तक सारी जंगें इसी वजह से हुई। फिलिस्तीन में जो इस वक्त इसराइल का वजूद है और जो वो उसमें तौसी कर रहा है और अपने हदूद को बढ़ा रहा है और इसराइल की हदूद को तंग कर रहा है,
वो एक फितना एक शर है जिसके सद्देबाब के लिए इब्राहिम रईसी साहब बहुत जोरों शोर के साथ पूरी ताकत के साथ उस मिशन में मसरूफ थे और चाहते थे कि अमन कायम हो आलम में, इस दुनिया में, और इस तरह के जो जालिमीन है उनका सद्देबाब किया जा सके, उनको रोका जा सके। तो अब जाहिर सी बात है जिसको अपना जुल्म करने से रोका जा रहा था वो रोकने वाली ताकत का एक जुज अगर खत्म होता है, टूटता है, गिरता है, तो जाहिर सी बात है सामने वाली ताकत को खुशी होती है, वो उनका अपना मामला है तो वो खुश होंगे, उनका बनता है। लेकिन हकीकत यह है कि इब्राहिम रईसी साहब का सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ आलम इस्लाम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, उस पूरी दुनिया के लिए कि जो अमन की ख्वाहिशमंद है, जो अमान की ख्वाहिशमंद है, उसके लिए उनका चला जाना किसी बहुत बड़े नुकसान से कम नहीं।